अरब सहाफी ने बिलावल से सवाल पूछकर बिलावल को कहीं का नहीं छोड़ा। ये सवाल इमरान खान की मकबूलियत से मुतल्लिक था, जिस पर बिलावल के पसीने छूट गए। अरब सहाफी ने क्या कहा, आप ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। My name is Abdul Hamid Sayan from the Arabic daily Al Quds Al Arabi. I have many questions, but Maryam ordered us to confine our. Ma'am, sir. I cannot. And my question about internal issues in sure. Pakistan. Sure. Recently, there was an attempt to murder Imran Khan. Mm-hmm. It seems that he is still popular. There are many people supporting him. When he calls for a rally, he receives hundreds of thousands of people. So how do you explain what happened? Who was behind it? What does the investigation say about the attempt? I think there's two parts of your investigation. As far as the attack on Mr. Khan is concerned, I would like to once again emphasize to the Punjab government in Pakistan that it's incredibly important. This is not just an attack on Mr. Imran Khan. This is an attack on a former prime minister. It's not about political differences. We want to see the facts. And there's an investigation on the provincial level ongoing that needs to show results. On the federal level, the prime minister has written to our superior judiciary. अब इस वीडियो में इस सहाफी ने पूछा कि इमरान खान को पाकिस्तान में गोली लगी है और इमरान खान इक्तदार से उतरने के बावजूद अभी तक पॉपुलर हैं। वो जब रैली निकालते हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके साथ निकलते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उन पर गोली चलाई गई है और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? अब अरब सहाफी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई बिलावल की कि इमरान खान इतना मकबूल लीडर है पाकिस्तान का, अभी तक तो आपको इन पर हमला करने वालों को पकड़ लेना चाहिए था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर पर हमला करें। अब अरब सहाफी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर बिलावल ने कहा कि देखें जी, ये हमला इमरान खान पर नहीं बल्कि इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर पर हुआ है, जो कि काबिले कबूल नहीं है। सूबाई हकूमत भी और फेडरल हकूमत भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस वक्त दोस्तों, ये जहां भी जाते हैं वहां इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और हर कोई इनसे भी इमरान खान से मुतल्लिक ही सवाल पूछता है और इनको मजबूरन इमरान खान से मुतल्लिक बताना पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।